हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो लेके आ चुके हैं हम एक और इंटरेस्टिंग सीरीज़ जिसमें हमने एक्सप्लोर किया है बरोड को, और ये हमारा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, और इसमें हमने 2022 सीज़न की फर्स्ट स्नोफॉल को एक्सपीरियंस किया। तो मैं आपको अपने इस कैमरे और इस वीडियो के माध्यम से बरोड घुमाना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एपिसोड 1 जो है सीरीज़ का पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को। अच्छा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और हम निकल चुके हैं एक और एडवेंचर पे, और हम जाने वाले हैं सीधे, जैसे हम डिस्क्लोज कर ही देंगे, हम जा रहे हैं बरोड। और अभी जैसे आपने देखा इस शॉट से पहले कि माहौल बहुत ही खतरनाक है, अभी सारी जगह धुंध पड़ी हुई है, और अभी मतलब एक्सपेक्टेशन अभी कुछ नहीं है कि हम बरोड पहुँच भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो है बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, और बर्फ़ हो सकती है वहाँ पे जाके, और जो वहाँ पे मेन फाउंटेन है और वो है, वो सारा जाम हो सकता है। तो देखते हैं जहाँ तक मैक्सिमम जा सकते हैं वहाँ तक जाएंगे, और रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और हमारी बाइक भारी भी बहुत है। तो जहाँ से हमको एप्रोप्रिएट लगेगा वहाँ से हम वापस भी आ सकते हैं। अभी फ़िलहाल ऐसा प्लान है, लेकिन एंड तक जाने का अभी तक हमने सोचा है। बाकी मनोज भाई हमारे साथ जा रहे हैं, और बस हम दो ही जा रहे हैं, और इसके पीछे की बहुत लंबी स्टोरी है, वो कभी बाद में बताएंगे। बाकी बस आज का व्लॉग आप इन्जॉय करें, और चलते हैं बरोड। गाइस, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक माहौल हुआ है, अभी हाथ पूरे फ्रीज हो गया है। दैट्स व्हाई विंटर इज फॉर। आप देख रहे हो बढ़िया इंजन से हाथ हमने बढ़िया से सेक लिए हैं, और हमने यहाँ से रिलायंस से जो है पेट्रोल वगैरह भरा लिया है, और अराउंड 780 का आया है कुछ, और यहाँ से हम सोच रहे हैं ट्रिप वगैरह जीरो कर देंगे, देखते हैं कितने माइलेज और कितने किलोमीटर हमारी बाइक आज चलती है। बाकी पीछे का अराउंड 20-22 किलोमीटर चली होगी अभी, जहाँ से अभी हम यहाँ आए हैं अभी सुंदरनगर से। तो बस देखते हैं, अभी हाल बहुत बेहाल है, तो आप ट्रिप में बने रहें और इन्जॉय करें। अभी हम आ चुके हैं बरोड वाले रोड पे, और ये ऊपर वाला जैसा आपने देखा होगा लास्ट टाइम हम गए थे, तो ये जाता है आपका प्रेशर के लिए, और हम आ गए बजौर वाले रोड पे, और जोगिंदरनगर को जाता है सीधा। तो बस हम इधर इस वाली साइड अब जाने लगे हैं। अभी हम इन द मिडल ऑफ द रोड है अभी, और अभी बाइक की कुछ ऐसी हालत हो गई है, चीकड़ वगैरह इसको लग चुका है, और फील पूरा आ रहा है। और मनोज भाई कैसा फील है फिर, तगड़ा? और बस यहाँ से ऑलमोस्ट अभी 60 के अराउंड, मतलब अभी यहाँ से किलोमीटर रहा है बरोड के लिए। मैंने अभी कहा अराउंड 60 किलोमीटर यहाँ से अभी है बरोड आपका, और बजरौर जो है बजौर करके जो रोड है उसके ऊपर अभी हम जा रहे हैं आगे के लिए। तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया सीन्स दिखाते हैं, और थोड़ा सा हम भी थोड़ा इसको चीज़ को इन्जॉय करते हैं, क्योंकि अभी कुछ भरोसा नहीं है, जल्दी से 3-4 दिन में भी लॉकडाउन लग सकता है, तो हम जल्दी से मतलब अपना मस्त मज़े करके आएंगे। और अभी फ़िलहाल मौसम देख के तो ऐसा लग रहा है कि बरोड में अभी बर्फ़ जो है पिघल भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। तो देखते हैं बरोड पे एंड तक जाने का, मतलब जो बरोड है मेन जो फाउंटेन है वहाँ तक जाने की हम कोशिश करेंगे। बाकी धूप भी बढ़िया निकल चुकी है, ऊपर वाले का हाथ अगर सर पे हो तो भी क्या नहीं हो सकता, क्यों? सही बात है, सही बात है। और बस चलो चलते हैं अब, और आप इन्जॉय करें इस ट्रिप को। Walking the same ways a hundred of times with the same soul. But do you ever try but from the right side, put it up in your mind? But do you ever try but from the left side, put it up in your mind? It's gonna be alright. You keep running. Run.
हम पहुंच चुके हैं इन द मिडल ऑफ द रोड और यहाँ पे है स्नो, जैसे आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया स्नो यहाँ से शुरू होने वाली है। और यहाँ पे अराउंड यहाँ से अभी रहा है आपका रोड अराउंड 21-22 किलोमीटर्स। अभी हमें यहाँ पे अभी कुछ लोग भी मिले थे स्कूटी में, नीचे वापस आए थे रोड से, तो उन्होंने कहा अराउंड 1-1.5 घंटा लग जाएगा क्योंकि आगे आइस ज़्यादा है, तो मतलब मज़े से ही चलानी पड़ेगी हमें बाइक। बाकी चलो और खुला है एंड तक जा सकते हैं, तो मतलब उम्मीद जगी है कि हम वो फॉल और वो सब ब्यूटी जो है इन्जॉय कर सकते हैं। बाकी चलो बिना देरी टाइम हो चुका है 12:30 और हमें एटलीस्ट 1:30 तक तो वहाँ पहुँचना है, तो चलो। सो गाइज अभी हम बस रोड वाले रास्ते में थे और यहाँ पे माता जी का मंदिर था, तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं। जैसे आपने रोड देखा बहुत ही खतरनाक है और यहाँ से मतलब बिल्कुल मजे आ रहा है, और यहाँ से रोड अराउंड 15-20 किलोमीटर होगा, तो बस अब रोड का नज़ारा आपको जल्दी दिखाते हैं। बाकी फील जो है एकदम मौसम है। Talking about the same old stories they've heard about the people.